मैनपुरी जिले में मतगणना स्थल से लौट रहे एक सपा कार्यकर्ता पर भाजपाइयों ने हमला कर उसे जमकर पीटा। मैनपुरी के जिला अस्पताल में उसको उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई लाकर भर्ती कराया गया है। सपा का यह वही कार्यकर्ता है जिसने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफाई से जाने के बाद उनके दौरे वाले स्थान पर गंगा जल छिड़का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए 22 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई का दौरा किया। उनके पास जाते ही सपा कार्यकर्ता 23 रोहित पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम नगला हरि सिंह छाना क्षेत्र भोगांव जिला मैनपुरी की सफाई के अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम बने हेलीपैड के साथ ही हर जगह गंगा जल छिड़का जहाँ सीएम गए तब रोहित के खिलाफ सफाई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गंगा जल छिड़कने की घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्से में थे। गुरुवार शाम मतगणना स्थल से लौट रहे रोहित पर भाजपाइयों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रोहित के पिता रमेश चंद ने कहा, भाजपा के लोगों ने मेरे परिवार के साथ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर मोबाइल फ़ोन और बाइक छीन ली। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जबकि भगवान राम तो हम सबके इष्ट हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। SSP जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। मैनपुरी पुलिस की ओर से जानकारी देने पर जांच कराई जाएगी। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए तो अपना कमेंट करके बहुत बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।